नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरी दुनिया मौन मोहन सिंह के नाम से जानती है, क्योंकि ये अपने से कोई बात बोलते नहीं हैं, बहुत कम ही बोलते हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पे नौकरियां की हैं। इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया है, मतलब प्रोफेसर की नौकरी की, UN में नौकरी की, वर्ल्ड बैंक में नौकरी की, RBI में नौकरी की और UGC में भी नौकरी की, और तो और उन्होंने प्रधानमंत्री की भी बहुत दिनों तक 10 सालों तक नौकरी की। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें क्यों हंस रहे हो? इसको एडिट करना। तो स्वागत है मनमोहन सिंह जी लूज टॉक में। नमस्ते। तो आपने परमिशन ले लिया है? ये अच्छा, सॉरी, परमिशन ले लिया बात करने की? आज डॉक्टर साहब, मैं ना हर रिमोट से नहीं चलता, सिर्फ इटली के रिमोट से चलता हूँ। तो आपने आज परमिशन लेकर के घर से चले होंगे, तो बता करके आए होंगे ना? मैं घर से जब चला, मुझसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर डॉक्टर खेलने जा रहा हूँ। बड़े दिन बाद किसी ने मुझसे ना आपने लूज टॉक पे बुला। मुझे तो घर वाले टॉक पे नहीं बुलाते, ना मैडम जी कभी बुलाती थी। आपने इतना मान सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए कि इतनी सारी जगहों पे आपने नौकरी की, सबसे अच्छी नौकरी आपने कौन सी की? देखो जी, मैं तो मन से तो अपने उसका ही हूँ ना। मैं तो हमेशा से पब्लिक के हाथों में ही रहा हूँ, तो मैंने तो जो हाथ की सेवा की है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट नौकरी मेरी हाथ वाली रही है। तो उस पर काम करना कितना काम करना पड़ता था? काम का जी, मैं बस जाता था, बैठता था अपना, क्योंकि वो बाबा खेलते रहते थे इधर उधर, उनके पीछे पीछे कभी चले गए, वरना कोई काम नहीं होता था। सोफे पे पड़े रहो, बैठ जाओ, उठ जाओ, कोई नहीं, कहीं प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बात के लिए कोई बात नहीं, कोई मीटिंग हो रही हो जाने के बाद में पता लगता था कि आज मीटिंग में ये हुआ है, आपको बताने को भूल है। ये बाबा कौन है? देखिए जी, दो बाबा मशहूर है पूरी दुनिया में ना, एक संजू बाबा और दूसरे राहुल बाबा। अच्छा, ये राहुल बाबा आपके ऑफिस में? एक्चुअली तो ये जो नौकरी जो आपने की 10 साल तक, तो कभी ये नहीं महसूस हुआ कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं? कम से कम कभी न कभी अपने मन की बात करनी चाहिए थी। देखिए मोदी जी करते हैं मन की बात, आपकी मन की बात कभी सामने आई नहीं जनता के? मैं जी पहले मोदी जी से पहले मैं मन की बात शुरू करने वाला था, रेडियो के टीवी पे शुरू करने वाला था। इन्होंने क्या किया, वो मन की बात को मौन मोहन की बात कर दिया। तो मैं आता भी था ना तो यूँ बैठा रहता था। मुझे बाद में रिलाइज होता तो मेरे कहीं किसी ऐसी जगह इन्होंने इंजेक्शन ठोका कि जो ना आवाज़ निकलती ही नहीं मेरी, मैं बोल ही नहीं पाता कि बोलना कि किस तरीके से बोलूँ, मेरे खुद नहीं समझ में आता था। अच्छा, ये बताइए अब तो सारा खत्म हो गया जी जी, है ना, अब ये बताइए कि कभी आपको प्रधानमंत्री रहते हुए कभी डांट पड़ी है वहाँ से? कभी बोल रहे हो आप, ये बोलो कभी ऐसा हुआ कि आप मतलब सुकून से ऑफिस गए हो और ऑफिस से सुकून से घर आए हो? मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन भी मेरे पे निकलती थी, रिमोट नहीं चल रहा तो सेल की फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकल रही है, वाड्रा साहब के पहे नहीं पहुंच रहे तो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकल रही है, प्रियंका बाल नहीं बढ़ा रही है, इंदिरा जी की लुक नहीं आ रही है तो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे। मैं क्या क्या था? मैं खुद नहीं जानता जी। पर बस क्या बोलूं। अच्छा ये बताइए, ये तो कांग्रेस में ये जो भूचाल चल रहा है हर तरफ, ये अफरा तफरी मची हुई है, कभी राजस्थान की सरकार पे आफत आ जाती है, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, कर्नाटक की सरकार चली गई, आपसे कोई राय लेता है या नहीं लेता है? मैं क्या बताऊँ आपको, एक जिसे आपने रिमोट दिखाया ना, मेरे तो रिमोट भी चेंज कराने के बाद भी टप टप करते हैं, वो चलता नहीं मैं, क्योंकि मैं बताऊँ एक डमी की तरह इस्तेमाल कर लिया था मेरे को इन लोगों ने। मेरी एक देखो, मैं जो बंदा हूँ ना, मैं जिसके प्रति काम करता हूँ बड़ा ईमानदार रहता हूँ। इन्होंने अब करते कुछ है, कहते कुछ है, क्या बताऊं मैं आपको। वैसे एक बात तो आपने सही कही कि पूरी दुनिया आपको ईमानदार मानती है, लेकिन एक बात बताइए,
कोयला घोटालों में आपका क्या रोल था? अब आपसे वही बोल रहा हूँ ना, अब मैं मान लो आपको पेपर तो ये भेज दूँ, आप पढ़ोगे, आप बोलोगे हाँ दिस इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ राइट, आप पेपर जाता है, जो पेपर साइन होने आते हैं वो दूसरे पेपर हैं, साइन मुझसे दूसरे करा लेते हैं और वो पेपर दूसरे दिखाते हैं, तो आप पता है मैं क्या करूँ? मैंने तो बिल्कुल बोला भी, मैंने कहा मैडम जी आप एक काम क्यों नहीं करती, जब करनी है आपने मन की है आपकी, तो फिर आप मेरी जो साइन है ना उसके स्टैम्प भी बनवा लो, खुद ही ठप्पे लगा दो टप टप करके। नहीं मैं स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूँ, कोयला घोटाला याद है आपको? हाँ वो वाड्रा साहब वाला ना? नहीं 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 नहीं, नहीं वाड्रा साहब वाला नहीं। फिर कौन सा, ये कौन सा आ गया नया? नया नहीं है, आप इतनी ईमानदार प्रधानमंत्री रहे, आपको ये भी याद नहीं कि कितने घोटाले हुए आपके शासनकाल में? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, चेहरा मेरा रख के पीछे बंदूकें चल रही हैं, तोपे चल रही हैं, मुझे खुद नहीं पता लग पाता था, मैं बता रहा हूँ। नहीं ये कोयला घोटाला वो घोटाला है कि जिसमें जो हमारे देश में जो जनता की संपत्ति थी, कोयला के जो खदान थे, उसे आपने चड्डी बनाने वालों, तो बनियान बनाने वालों, गुटखा बनाने वाले कंपनियों को जो आपने साइन करके उसके सुपुर्द कर दिया था, वो उस घोटाले की बात कर रहा हूँ मैं। मैं वही बोलूँगा, मेरे पहले जवाब से कॉपी और पेस्ट वही है जी, मैं बता रहा हूँ, साइन कुछ और करा देते हैं और पेपर के ऊपर कुछ और लिखा होता है, साइन करके जाता है, वो निकाल लेते हैं, कुछ और छपवा देते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती है बताओ आप। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब सोनिया गांधी ने आपको प्रधानमंत्री के लिए चुना तो आपसे कोई कसम ली गई थी कि आप कभी भी उनकी बातों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जो बात सोनिया गांधी आपसे कहेंगी सिर्फ उसका ही पालन करेंगे, क्या सच्चाई? कैसे आप आते हैं सोनिया गांधी को? देखिए जी मैं ना बड़ा इमोशनल बंदा हूँ, मेरे को ना इन्होंने इमोशंस में बांध दिया था, मुझे बोलते हैं एक पार्टी जिसकी आपने इन्ने साल सेवा की थी है जी, आप उसके प्रति ईमानदार हो, लगन से काम करते हो और उसकी एक बहू आपसे कुछ मांग रही है ना, तो आपको देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, हिंदी में, पंजाबी में, इटली में, जिस भी लैंग्वेज में जितनी आती थी उनको सारी बोलती, हालांकि वो एक ही बोलती हैं तो वो सारी इटली वाली लगती, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं जी, ज़्यादा से ज़्यादा बंदी क्या कर लेगी, देश के हित में बात कर रही है, अपने बेटे को ना ला के मुझे पुश कर रही है, तो चलो ठीक है जी मैं मान गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ बाद में मुझे पता लगा ये तो गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चूँकि मैंने मतलब अब उनको वचन दे दिया था, मैं उनको बोल चुका था, तो इस करके ना मेरे से पलटी नहीं मारी गई ना, तो मैं त्याग पत्र दे तो पाया। कभी ये दुख नहीं होता था कि जैसे आप प्रधानमंत्री थे 2009 में चुनाव जीत गए तो सारे लोगों ने कह दिया भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी की वजह से जीत गए, कभी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला? नहीं देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने क्रेडिट कभी कौन सा ना जो उनसे किसी को लेने दिया ही नहीं और ना कभी देंगे ये लोग, आप बताओ मुझे पाकिस्तान से रफेल नहीं समझ रहा हमारे वाला, इनसे पायलट नहीं समझ रहा, आप देखें मतलब कि अगर ये ढंग से चलते तो हर बंदा, तो वो सिंधिया भी चला गया, सिंधिया साहब का बेटा, इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने सिर्फ एक सरदार साहब को आगे खड़ा कर दिया और तो बोल दिया कि ये ही इज़ लाइक एन यू नो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और उसके आड़ में इन्होंने कुछ भी चीज़ें कर दी हैं, बहुत बोलने की कोशिश की, डॉक्टर साहब मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन बस आज आपने बुलाया ना मन एकदम वो हो गया, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता भी। अब ये बताइए कि ये तो जब जीते तो आपको क्रेडिट नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन 2014 में जब हारे तो लोगों ने कहा कि भाई आपकी वजह से हार गया, आपने इतने सारे घोटाले कर दिए। तो डम्मी का मतलब क्या होता है आप देखिए, जब तक मलाई आ रही है तो मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, मेरा दामाद खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, जहाँ उसके अंदर बाल आ गया, कंकड़ आ गया, तो वो जो बंदा खड़ा किया या बिठाया है सीट पे वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी घोटालों की वजह से आ गया, ये आ गया वो आ गया। चलो जी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं घोटाले करता आप क्या करती अपनी मतलब जो भी है कि भाई आप नहीं रोक सकती थी कि भाई आप ये कर रहे हो, आपने क्यों नहीं रुका? क्योंकि वो आप लोग थे जो मुझे दिखाते कुछ थे, साइन किसी और चीज़ पे कराते थे और बाद में मुझे पता लगता था कि नहीं यार ये तो कुछ और ही चीज़ हो रही है, अब आप बताएं मैं क्या करता। अच्छा ये बताइए तो राहुल गांधी को किस तरीके से देखते, क्या वो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो राहुल गांधी ढंग से बन जाए जी तो बहुत है,
ये सुना है कि वो आपको कई बार डांट वगैरह भी लगाते थे आपके नाम से, आपके जो चहेते लोग थे, और एक कुछ जासूस भी आपके पीछे छोड़ रखे थे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में। भाई आप एक बात बताएं, जब पूरा एक मेन स्विच होता है उसके सब स्विचेस होते हैं, जब मेन स्विच ऑन करने के बाद जो स्विच लगता है वो आरबी का, मतलब राहुल बाबा का लगा हुआ है, तो बाकी के तो सारे सब छोटे मोटे स्विचेज ही हैं ना, तो उस करके वो काम हो रहा था, क्योंकि उस पर खुद पे तो कुछ आता नहीं है। आप देखें, अगर आता होता तो मेरे बदले वो प्रधानमंत्री बन गया होता, जो कि बनना भी चाहिए था। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बने, जवान बंदा बने, पढ़ा लिखा बंदा बने, आगे आए, अपने देश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोले कि मैं ही हूँ। अब वहाँ पे तो लेकिन वो तो ना जवान है ना पढ़े लिखे हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? फिर अभी भी आपको कुछ लग रहा है कि आपकी तारीफ करनी चाहिए? आप इस तरह से तारीफ क्यों करते हैं? आपके साथ ना दुर्व्यवहार हुआ है और फिर भी आप तारीफ किए जा रहे हैं कि पढ़ा लिखा और जवान, क्या तरीका है? डॉक्टर साहब आप देखें कि आप भी और मैं भी, हम ना उस स्कूल से आते हैं जिसमें ना हमारे को एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि जितना हो सके आप, आपने जिसको अपना टाइम दिया, जब मेहनत की, तो उसको, उसके लिए आप जितने ईमानदार रहें, जितने लॉयल रहें वो रहें। मैं तो आज भी, मैं ना बीइंग ऑनेस्ट पर्सन, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा करोगे ना तो देखो कल को ना आप भी सत्ता में आओगे और फिर से बागडोर ना हाथ के हाथ में आएगी, वरना अभी तो हाथ वालों की तो हाथ में आई हुई है। अब ये बताइए, ये एक किताब आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसमें बहुत सारे आपके कच्चे चिट्ठे जो है इसके अंदर डाले हुए, ये संजय बारू ने लिखा था या आपके मीडिया सलाहकार थे? मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं मेरी गलत दस, मैं आपके पास आया ही इस करके था कि आप इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं पूछोगे, आप लगे इसके अंदर, मैं इसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ आप। नहीं, इसमें है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप देखें, मैं ना इन्हें 10 साल में ना पागल हो चुका हूँ, मेरे ना खुद नहीं पता लगता ना, मतलब इनकमिंग हो रही है या आउटगोइंग, मेरे खुद नहीं पता लगता। और आप देखिए, संजय बारू अब बुक छाप करके हीरो बन रहा है, पहले क्यों नहीं हीरो बन रहा था? क्योंकि मुझे एक बार भी उसने बोला होता ना कि डॉक्टर साहब आप यहाँ गलत हो, तो मैं उसकी बात मानता। अब मेरे को अब पूरी बुक छाप दी आपने, और उसमें भी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जैसे एक डमी के ऊपर सारा का सारा इन्होंने पुलिंदा बांध दिया ना, उस तरीके से इस बंदे को यूज़ करके कि आप एक आप बुक लिखो जिसके अंदर सरदार जी के ऊपर सारे के सारे ना आप वो इल्ज़ाम लगा दो, ताकि हम जो है ना परिवार एक तरफ बच जाए, ताकि हमें अगले इलेक्शन के अंदर ना सपोर्टर महिला। अच्छा ठीक है, मैं इस बुक से कोई सवाल नहीं। सो नाइस ऑफ यू। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए, अब तो राष्ट्रपति बनने का आपका कोई सीन है नहीं, नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री फिर से आप बन पाएंगे नहीं, नहीं, नहीं। अभी मन नहीं ऐसा करता है कि बिल्कुल सारी बातें बता दी जाए देश को? अब आपके चैनल में बता दूं मन की बात? हाँ बता दीजिए। मेरा मन कभी कभी करता, मैंने कमांडो पिक्चर देखी थी अर्नोल्ड वाली ना, अच्छा मन मेरा ऐसा करता 85-86 गोले नीचे अपना छपा करके एक बड़ी मशीन गन लूँ और ले करके ना तुफ 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 ऐसे करके ना सब लूँ ना, जिस जिसने मैनू जुटलाया है, जिसने मेरा मजाक उड़ाया, जिसने ऐसे बंदे को जो वन नंबर वन गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिस्ट था, उसको उसने एक डमी की तरह यूज़ करवा देता और मेरी छवि ऐसी कर दी कि मेरे पास ही सारे के सारे सवालों के जवाब हैं। आप एक बात बताइए, आज भी उस लेडी से या उसके बच्चे से या उसके दामाद से या बच्ची से कोई सवाल नहीं पूछता, सब मेरे से पूछने आ जाते, क्यों? मैं मान लें कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कहाँ मरने जाऊँ, आप बताएँ मुझे। अच्छा आपने कहा कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, कौन सी किताब लिखी है आपने? एक्चुअली डॉक्टर साहब चक्कर पता क्या है, वो टाइम ही नहीं मिलने देती यार, मैं क्या मात मैंने अंदर का कभी कभी सरदार जा रहा था ना मन, पर ठीक है क्या कर सकते हैं कंट्रोल। हाँ मैं कह रहा हूँ देखो कोई नहीं जी, अब क्या कर सकते हैं, टाइम ही नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ मेरे को बुक लिखनी, उस मतलब आलू दे पट्ठे नूं दे दिए टाइम है, उसने मेरे ऊपर पूरी की पूरी बुक लिख दी। एक बंदा जो बुक का पूरा मटेरियल लेके बैठा है, उसको बोल रहे हैं क्या मीटिंग अटेंड करो, और मीटिंग अटेंड करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो पता लगता है कि वो पहले वो डिसाइड कर चुकी हैं, आप तो वैसे ही लल्लू की तरह बैठे हैं। अच्छा मतलब आपके पास आइडियाज़ हैं किताब लिखने के, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। हाँ बताओ। अच्छा एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनको किस तरीके से आप रेट करते हैं? देखिए जी, समय बड़ी बात जो मैं समझता हूँ ना वो ये है कि अब जो भी प्रधानमंत्री बने, वन शुड हैव अ
क्लियर माइंड, उस बंदे का माइंड बिल्कुल क्लियर है, उसने जो करना है वो करना है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं है कि जब वो कुछ करने निकले तो एक तरफ से टांग पकड़ रहे हो, एक तरफ से हाथ पकड़ रहे हो, एक तरफ से मतलब कुछ और पकड़ रहे, आप उसको निकलने नहीं दे रहे हो आगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, है ना। सही में मैं तो सारे घर के रिमोट तोड़ दीजिए इसका। अच्छा अब ये बताइए कि एक और लीडर जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनका नाम है अमित शाह। वो अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या लगता है कि देश का कल्याण होगा? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि वो बंदा जो है ना वो मिस्टर मोदी से भी ज़्यादा अग्रेसिव है। मैं इसलिए अग्रेसिव बोलूँगा क्योंकि एक तो होता है कि मिस्टर मोदी किसी को जो है ना एक मौका देता है बंदा कि भाई अगर आप सही बात करें तो आपकी बात सुनेगा, और अगर आपने गलत बात कर दी तो भी वो आपको बोलेगा कि चलो देर इज समथिंग, आई मीन देर इज सम होप कि आप शायद सुधर जाओ। उस बंदे के आगे तो इतनी लोगों की यूं होती है ना कि वो बोलते हैं कि इसके आगे गलती से कुछ गलत निकल गया और इसने हमारा अमित का शाह कर देना, तो इस करके ना मुझे वो बंदा बड़ा अग्रेसिव लगता है जी। अच्छा आप अमित शाह को अग्रेसिव कह रहे हैं तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं वो तो देखे जी मैं आपको बताऊं, ये सारा का सारा मतलब वही वाली ये बात है ना, पूरा गैंग जो हो गया ना, ये मैं कह रहा हूँ ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं इस पार्टी का बंदा नहीं होता आप ये जो बात कह रहे हैं मैं एडिट नहीं करूँगा, ये बातें फिर सोनिया गांधी के पास पहुँचेंगी, राहुल गांधी के पास पहुँचेंगी आपकी, आप तारीफ कर रहे हैं इन लोगों की। नहीं देखो ये अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, मतलब कि ठीक है दो तीन बार तो सपने में यमराज आ गए बोल रहे जी अब क्या करना है, मैंने कहा चलो अब तो चलो साथ ही ले चलो, तो अब क्या हो जाएगा, बिल खत्म हो गया, अब खत्म हो गया जी। अब बताओ मतलब कि मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि जब बंदा प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद थू हो गई नहीं, सब घर वाले भी शक के दायरे में ले लेते हैं, बीवी तक खाना देते वक्त पूछती थी कि अच्छा एक ही रोटी खाओगे दो खाओगे, अरे मैंने कहा यार घर में तो कम से कम घी लेंगे, लेकिन नहीं उन्हें इस तरीके का मेरा चक्कर भी रच दिया ना कि मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो अब जो फड़ना फड़ लो मेरा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा, पब्लिक होनी चाहिए पढ़ी लिखी पब्लिक है, पहले आप बना लेते थे बुड्ढों को, जो पिलपिले बुड्ढे होते थे ना उनको आप बना लेते थे, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं ना वो खेले खाए सबको सब पता है, नेट के अंदर उनको सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं जानता हूँ कि जब एक बंदा अच्छा खड़ा होता है तो उसके दुश्मन भी हो जाते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड देन देर आर ऑल्सो यू नो पीपल हु कैन सपोर्ट यू। देखिए ये तो अब आपका आखिरी इंटरव्यू ही समझा जाए। हाँ मैं को खुद लगता है जी। तो देश के लिए अगर कोई संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? मैं देश को ये संदेश दूंगा, देखें जी क्या होता है, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। आप किसी को ना यूं नहीं आंक सकते कि यार ये बंदा तो बड़ा ईमानदार था और ये अभी भी ईमानदारी कर रहा, लेकिन घोटाले हो रहे हैं, तो आप ये ना समझें पहली चीज़। ये तो मैं अपना दिल का एक उद्गार रो रहा हूँ, लेकिन मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि देखें जिसको परिवारवाद करना है ना आपको पता है कौन कर रहा है, और जिसको देशवाद करना है जो सिर्फ देश के लिए हो रहा है वो भी आप जानते हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको किसको वोट करना है, किसको अपलिफ्ट करना है, किसको सपोर्ट करना है और किसके कहाँ पे कैसे लात मारनी, वो आपको पता है। और जब जनता लात मारती है ना जी सारे रिमोट धरे रह जाते हैं, सारी इडली की डिशेस धरी रह जाती हैं, सारे बच्चे धरे रह जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है भगवान का नाम बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने आज बातचीत की है लूज टॉक में तो उसमें मनमोहन सिंह की जगह लोग ज़रूर कहेंगे कि ये असली मनमोहन सिंह हमारे साथ थे। थैंक यू जी, आपने बुलाया इन्ना सारा बुलवाया ना, अंदर से सारे अंतड़ियाँ वंतड़ियाँ सब आपको दुआएं दे रही हैं डॉक्टर साहब ने, थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार लूज टॉक में एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।